हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ होली स्पेशल इंस्टेंट ठंडाई मसाला, और साथ में इससे ड्रिंक कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊँगी। होली पे आप तरह तरह के स्नैक्स तो बनाते ही हो, लेकिन जब तक हम ठंडाई नहीं बनाएंगे तो होली का मज़ा नहीं आएगा। तो होली के साथ में बनाया मैंने मसाला और साथ में ही ड्रिंक, ऊपर से लगा दी थी मैंने गुलाब की पत्तियाँ। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो सबसे पहले मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई, उसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दिए थे 15-20 मिनट डाले मैंने बादाम। जब आप किसी कटोरी से इसको नाप कर ले सकते हैं, तो उतने ही मैंने डाल दिए थे काजू 15 से 20, और साथ में ही पिस्ता, और 10 दाने डाले हैं मैंने इसमें काली मिर्च के, जो आप आधा चम्मच भी बोल सकते हो इसको, और साथ में एक दालचीनी का टुकड़ा, और 4 से 5 ली मैंने ग्रीन वाली इलायची। तो उसके जो बीज है मैंने निकाल लिए थे, उसके छिलके अलग कर दिए हैं, और छिलके को भी हम फेंकेंगे नहीं, उसमें उसको मैं यूज़ करूँगी चाय में। तो इसको आप चाय वाले डिब्बे में डाल सकते हैं। तो सारे इलायची में से मैंने दाने निकाल लिए थे, और साथ में लिए मैंने ग्रीन वाली जो सौंफ होती है 2 चम्मच, और 2 चम्मच लिए मैंने खसखस के, उसको भी इसी में मिला लिया था। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है, क्योंकि जितनी देर में मैं मसाले डाल रही हूँ उतनी देर में कहीं जल नहीं जाए। तो उसके बाद 2 मिनट रोस्ट करने के बाद मैंने उसको गैस से उतार लिया था। साथ में डाल दिया था मैंने केसर की 5 से 10 पत्तियाँ, और साथ में फ्रेश वाले जो गुलाब होते हैं, गुलाब की पत्तियाँ वो डाल दी थी, ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आए। और तो सारा जो मटेरियल जो है वो ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं इसको डाल दिया है मिक्सर ग्राइंडर में। तो इस सब को हम पीस लेंगे, और साथ में ही मैंने इसमें जो मेलन सीड होते हैं वो मैं पहले से उसको हल्का सा रोस्ट करना भूल गई थी। तो मेलन सीड, जो इसको कद्दू के बीज भी बोल सकते हैं, तो 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं इसको भी, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। तो सभी को पीस कर मैंने बना लिया है पाउडर। तो हमारा ठंडाई पाउडर बनके हो गया है तैयार। तो इसको आप किसी डिब्बे में डालकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मैंने कम मात्रा में बनाया है, तो आप इंस्टेंट इसको यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप बना कर रख सकते हैं, स्टोर करना हो तो इससे डबल आप सामान लेकर बना सकते हैं। तो हमारा ठंडाई मसाला बन के तैयार हो गया है। तो उसके ऊपर से लगा दी थी मैंने गुलाब की पत्तियाँ। तो अब मैं बनाऊंगी ठंडाई ड्रिंक। तो उसके लिए मैंने दूसरे वाला जार जो ले लिया है, जो ब्लेंडर वाला, तो उसमें डालूंगी मैं पिसी हुई चीनी ली है। तो आप जितने गिलास बनाना चाहते हैं, तो मैं 2 गिलास बना रही हूँ ठंडाई के, तो मैंने 4 चम्मच डाल दी है चीनी के। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 गिलास डाल दिए थे मैंने दूध के, जो उबला हुआ ठंडा दूध है, तो 2 गिलास मैंने दूध के डाल दिए हैं। और उसी के बाद डाल दिया मैंने जो ठंडाई मसाला बनाया है 2 चम्मच, और कुछ डाल दी थी मैंने इसमें आइस क्यूब जो होते हैं, ताकि और भी ठंडा हो जाए एकदम से। सो सबको कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। साथ में गुलाब की पत्तियाँ डाल दी थी मैंने थोड़ी सी। तो सबको अच्छे से पीस कर इसका एक जूस बना लेंगे हम, तो बहुत ही अच्छी ठंडाई बन के तैयार हो जाती है। तो 2 मिनट चलाने के बाद मैंने इसको, तो अब मैं सर्व करने के लिए गिलास में डाल दूंगी। तो हमारा ठंडाई मसाला और ठंडाई ड्रिंक बन के तैयार हो गई है। आप भी होली पे बनाइए और इसको पिए और इसका मज़ा लें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसको आप किसी भी गिलास में डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऊपर से एकदम बन गया है। ऊपर से डाल दिया मैंने इसमें गुलाब की पत्तियां और लगा दी है। तो हमारा ठंडाई मसाला और ठंडाई ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और होली के मज़े लीजिए। थैंक यू।